वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। सुबह के 10 बज गए हैं और ये जो है टॉपिक आपका बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई, बिहार फायरमैन या फिर एसएससी या रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि स्पीडी साइंस आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लूसेंट पढ़ने का मैं बोलता हूँ आपको, इसको प्रैक्टिस के तौर पर आप रख सकते हैं। दोस्तों इन सबका पीडीएफ जो है मैं आपको एप्लीकेशन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपके लिए क्यूजेस भी कराए जा रहे हैं, तो क्यूजेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर सकते हैं वाईटी एजुकेशन करके, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पर जो कि आज आपसे पूछे जाएंगे, और आपको इसका जवाब भी नीचे कमेंट बॉक्स में करना होगा। कमेंट कीजिएगा तो आपको चीजें याद रहेंगी, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, लेकर चलते हैं यहाँ पे, और सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता है तो, है ना, और नहीं भी जाता है तो प्लीज शेयर कर दिया करें, है ना, आप ही के बदौलत ये सब कुछ है और आप ही के लिए सब कुछ है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं फर्स्ट पे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। क्या बात है, बहुत सही। यहाँ पे आंसर अगर आपका आ रहा है दोस्तों तो नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका उत्तर यहाँ पे बी है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जब परमाणु बम आवश्यक ताप उत्पन्न करता है तभी हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होता है। क्या होता है, उसका फ्यूज होता है, क्या इसका संलयित होता है, और यह संलयन जो होता है जिसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं, इसमें क्या होता है तो ऊष्मा यानी कि हीट, है ना, हीट और क्या निकलती है तो शक्तिशाली किरणें यानी कि रेज निकलती हैं। ठीक है, ये उत्पन्न होती है जो कि हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। किसको, हाइड्रोजन को बदल देती है हीलियम में। तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन बम बनने की अभिक्रिया में एक अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन बम की किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। संलयन क्या है मैंने आपको बता दिया, इसमें फ्यूजन में क्या, संलयन मतलब फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें ऊष्मा और कुछ शक्तिशाली किरणें निकलती हैं जिससे कि हाइड्रोजन को क्या करती है, वो हीलियम में बदल देती है। ठीक है, तो ये एक आंसर इसका इंपॉर्टेंट हुआ, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों दो पे, परमाणु बम किस अभिक्रिया का आधारित है। तो ये शायद मुझे लगता है ये सेम क्वेश्चन है क्या, तो नहीं, ये क्वेश्चन परमाणु बम किस अभिक्रिया या उस पर आधारित रहता है, तो ये आपको याद रखना होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, आंसर यहाँ हमारा डी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए नाभिकीय अस्त्र या फिर परमाणु बम कह लीजिए जिसको हम लोग नाभिकीय अस्त्र कहते हैं, एक विस्फोटक युक्ति होती है यानी कि एक यंत्र होता है, और ये जो अभिक्रिया होती है दोस्तों विध्वंस कर देती है, और इसका आधार जो है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। ये अभिक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मतलब कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन इन दोनों प्रकार के नाभिकीय अभिक्रिया को सम्मिलित करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं तीन पे दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है। सवाल का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी अल्बर्ट टेलर, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे अल्बर्ट टेलर इन्होंने बताया है दोस्तों, इनका आविष्कारक है ये, नोट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में इनसे जुड़े हुए, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए इसको, कब इसका आविष्कार किया गया, कब हुआ था। तो ये 1922 की घटना है। ठीक है, और टेलर ने और लियो यंग ने, जो कि यूएस के वैज्ञानिक थे ये, कौन, तो लियो यंग, ठीक है, लियो यंग, इन दोनों ने मिलकर 1922 में इसको बनाया दोस्तों। अच्छा, यह यंत्र जो है ना अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के लिए सूचना का काम भी करती है, तो इसलिए रडार जो है इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल पूछा गया है बिहार दरोगा में भी। सवाल नंबर चलते हैं चार पे, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा, इट्स अ बी, जी हाँ, इट्स अ बी पाउली ने। न्यूट्रिनो एक क्या है, एक कण है दोस्तों, एक नया कण है, एक नया पार्टिकल है, और इसका आविष्कार किया गया दोस्तों सन 1930 में। कब किया गया, 1930 में। ठीक है, पाउली या पॉली कहते हैं इनका नाम है। इस कण का जो प्रथम सिद्धांत था इनका, ये किसके ऊपर आधारित है, तो भौतिकवादी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, भौतिकवादी फर्मी। ठीक है, ये भौतिकवादी क्या था नाम इनका, फर्मी। इन्होंने कब दिया था, 1934 में, फिर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, किसको, न्यूट्रिनो को लेकर। तो आंसर हमारा कर लीजिएगा, वैसे तो खोज किए थे पॉली ने, तो इनका नाम याद रखना होगा आपको।
सवाल नंबर चलते हैं पांच पे दोस्तों, आंसर करेंगे आवर्त के नियम की खोज किसने की। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स अ मेंडलिफ इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे यहां से। और 1869 की घटना है ये, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और ये दोस्तों रूस, आप लोगों को पता है कि रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, रासायनिक ये थे कौन, तो मेंडलिफ, ये इन्होंने प्रतिपादन किया था इसके लिए। और भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में एक परमाणु अणुओं के और उनके भारों के बारे में आवर्त फल निकाला, जिसको कि आवर्त सारणी में डाला ये, ठीक है। तो मेंडलिफ इज द करेक्ट आंसर, 1869, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां से। सवाल नंबर छह दोस्तों, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं ना यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, आवर्त सारणी, आवर्त के तो नियम की खोज कर ली थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया, तो यही दिए थे मेंडलिफ ने। ये क्वेश्चन पलट के पूछा जा सकता है, ठीक है, ये मेंडलिफ ही थे, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक लॉ बनाया था, जो कि ये आधुनिक नियम भी कहा गया आवर्त का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर छह पे चलते हैं, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने, किसके निर्देशन में बनाया गया था। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, एनरिको फर्मी, मैंने आपका नाम लिया इनका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों, एक तो फर्मी जो थे इन्होंने शिकागो में, और पाउल जो पाइल जो है यहाँ पे, इट्स अ पाइल वन के रूप से बनाया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। एनरिको फर्मी जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर से ये निर्देशित किया, और इन्होंने ही दोस्तों शिकागो में, ठीक है, ये शिकागो जो है अमेरिका में है, ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। सवाल नंबर चलते हैं सातवें दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो बिल्कुल यहां पे देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कारक तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन 1 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1992 को, सॉरी 52 को, ठीक है, प्रशांत महासागर में ये प्रवाल द्वीपीय इन्वेटिक और इसके साथ में एक द्वीप पर जो कि बम का परीक्षण किया गया इसका, और इस परीक्षण का नाम रखा गया दोस्तों क्या, लेवी माइक। इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया, इट्स अ लेवी माइक, ठीक है, ये रखा गया था। अच्छा, इस तरह से हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर लिया गया, अमेरिका पहला देश था जो कि इसका आविष्कार किया था दोस्तों। तो आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, इट्स अ डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लिया, 1 नवंबर डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका परीक्षण किया गया था वहां से। सवाल नंबर आठ, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड दे रहे ना, तो आप आंसर कीजिए, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी, धन आवेश युक्त कहते हैं इसको, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन का धनात्मक आवेश है दोस्तों, और ये धनात्मक आवेश है ये तो आपको पता ही है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और इसका दोस्तों द्रव्यमान कितना होता है ये पूछ सकता है प्रोटॉन का, तो 1.6726 × 10⁻²⁷ ये किलोग्राम होता है इसका क्या, द्रव्यमान। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये तो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा, तो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान इससे क्या होता है, तो 1836 गुना जो है ये क्या होता है, इसका द्रव्यमान का होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ये कितना होता है दोस्तों, 1836 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आगे अभी, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आंसर क्या लिया, इट्स बी। और नवा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो ये एक ऋण आवश्यक कण है, ठीक है, निगेटिव कण है, ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ भी बी हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आपको अगर पूछ ले कि न्यूट्रॉन का सूत्र क्या होता है, एक तो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये न्यूट्रॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये आवेशहीन है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब समझ रहे ना, कि ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, लेकिन जो इसका सूत्र क्या कहता है, मतलब इसका एक परिभाषा क्या कहता है, कि न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, जो कि लिख लीजिए इसको, है ना, इसको लिखिए, जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, किसके साथ पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन के साथ, जी हाँ, प्रोटॉन के साथ ये पाए जाते हैं। जेम्स चैडविक, जी हाँ, जेम्स चैडविक थे, याद रखिएगा इनका नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जेम्स चैडविक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, न्यूट्रॉन की दोस्तों, इन्होंने इसको एन से प्रदर्शित भी किया था, ठीक है, इसको चिन्हित किया था एन से। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ से फैक्ट के तौर पर याद जरूर रखिएगा। सवाल नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो आंसर कर लीजिएगा भाई, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है,
तो परमाणु बम का आविष्कार एक्चुअली जो वैज्ञानिक थे आपके अमेरिका के, जूलियस रॉबर्ट या ऑटोहन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जूलियस रॉबर्ट ऑटोहन, जिसको हम लोग ओपेनहाइमर के नाम से भी जानते हैं, और इनका देखा देखी में ये पहला एटम बम था ऐसा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहला ऐसा एटम बम था जो कि 1945 में, ठीक है, कब फोड़ा गया, 1945 में अमेरिका में किया गया इसका आविष्कार, ठीक है, ये ध्यान रखिए 1945 में किया गया, और 16 जुलाई में इसको आविष्कार कर लिया गया था, और इसका इस्तेमाल भी कर लिया गया था उस युद्ध में, याद रखिएगा, जापान में, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कर लीजिएगा, इट्स अ ए ऑटोहन इज द राइट आंसर, ठीक है, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहते हैं इनको, ठीक है, ऑटोहन को नाम याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 पे, परमाणु बम कब बनाया गया, तो ये तो मैंने बता दिया अभी, है ना, तो 12 का आंसर यही होगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 13 दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो भाई इलेक्ट्रॉन की खोज देखिए ये मूलभूत कण होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जीजी थॉमसन का नाम आता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, और जेजे थॉमसन ने 1897 में किया था, इसको भी आप लोग नोट कीजिए और लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी लगे कि कौन सीरियसली यहाँ पढ़ाई कर रहा है, और इसका द्रव्यमान पूछ सकता है ना, द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो ये जवाब दीजिएगा 9.109 × 10⁻³¹ kg होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का। सवाल नंबर चलते हैं प्रोटॉन पे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये थे जी हाँ, अच्छा ये प्रोटॉन की खोज जो है ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये सॉरी बोल लिया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ये कब किया था दोस्तों, 1920 में किया गया था, ठीक है। अच्छा रदरफोर्ड ने बताया था कि हर परमाणु के नाभिक में भिन्न भिन्न संख्याएं होती हैं और उसके प्रोटॉन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसलिए हाइड्रोजन को ना प्राथमिक कण भी कहा गया है, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी दोस्तों, यह ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, ठीक है, इज द बी इज द करेक्ट आंसर, और 1931 है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उसको इनसे दर्शाया था इन्होंने। सवाल नंबर 16, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पलट के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन का इजाद किया गया था, जैसे कि अभी कोरोना के लिए किया जा रहा है, लेकिन महान वैज्ञानिक थे दोस्तों कौन, जी हाँ याद रखिएगा नाम, उनका नाम था हिलेरी कोप्रेक्सी, जिनका देहांत हो गया 96 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, को प्रोवेक्सी जो थे उनके द्वारा पीने वाले पोलियो का जो ड्रॉप था उस वैक्सीन का खोज किया गया था, किसका, जो मुंह में ड्रॉप डाला जाता है, लेकिन जो टीके का खोज किया गया था दोस्तों वो किया गया था दोस्तों जॉन ई सॉल के द्वारा, ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक टीका है और एक वैक्सीन है, वैक्सीन नहीं है मतलब टीका है जो कि वैक्सीन है, और एक ड्रॉप है जो कि ड्रॉप है दोस्तों, ये किसने खोज किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये किए थे दोस्तों क्रोपोवैक्सी, ठीक है, ठीक है, ये नाम है उनका, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे जी हाँ अल्फ्रेड नोबेल, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सवाल नंबर 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, एंडरसन इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ से दोस्तों, और ये दोस्तों 1932 में ही खोज कर ली गई थी पॉजिट्रॉन की भी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे, निम्नलिखित में से किस वेधन क्षमता अधिक होती है, किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिए दोस्तों गामा किरणें की, ठीक है, गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये खासकर अल्फा बीटा से तो बहुत ही तेज इसका जो वेधन क्षमता होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको गामा किरण। सवाल नंबर 20, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ना कि मान लीजिए कि अल्फा किरणें जो है इसकी खोज किसने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा
गामा, ये किरणों की खोज किसने की थी? तो ये इसकी खोज 1902 में कर ली गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा कर ली गई थी, जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के रूप में इसको किरणों के ऊपर निकलते हुए देखा था इन्हें। तो ये तीनों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। सवाल नंबर 20, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, इट्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार। और टीवी का आविष्कार कौन किया था? भाई जब टेलीफोन है तो टीवी भी है, ध्यान रखिएगा। टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों तीन वैज्ञानिक थे, जिनका में फ्रांसिसी जैक्सन थे, बियर्ड्स थे, जॉन बियर्ड्स, और फिलिप फार्म्सवर्थ थे, टेलीविजन के आविष्कारक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों, सोलर सिस्टम का किसने खोज किया? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर लीजिएगा, ए कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है, कॉपरनिकस सोलर सिस्टम का आविष्कार। सवाल नंबर 22, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें कि भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है, उसको हम लोग विखंडन कहते हैं, इसको फ्यूजन कहते हैं। याद रखिए विखंडन का मतलब क्या होता है, कि दो भारी नाभिक जो कि लगभग बराबर नाभिकों के में टूट जाता है, उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां भी बनाई गई जो कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगी। तो नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रॉन होता है, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे इट्स सी मैक्स प्लैंक ने किया है दोस्तों, सी मैक्स प्लैंक इज द करेक्ट आंसर। 1908 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था क्वांटम का सिद्धांत दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, जो कि इसका नाम यहाँ पे दिया नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा, ये आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया लग रहा है, ऑप्शन वहाँ गलत आ गया है ना, तो आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है, तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये, और ये 1908 में इन्होंने क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। चूंकि आपको बता दें कि इससे पहले प्रकाश तरंगों के रूप में इसको समझाया जाता था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि मैक्स प्लैंक ने दिया था उसको। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे दोस्तों, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्वांटम सिद्धांत पेश किया गया 1908 में, ठीक है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने किसी भी पिंड में उत्सर्जित आवेशित ऊर्जा को या मात्रकता के अनुसार कुछ संबंधों को बताया था। तो मैक्स प्लैंक ने ये काम किया था। तो प्लैंक के अनुसार क्वांटम के सिद्धांत जो है अनुसार जो है किसी वस्तु के विकिरणों का उत्सर्जन हो और अवशोषण के असक्त में इसको कम कर लिया सके, जो कि उत्सर्जित के बारे में बताया और अवशोषित के बारे में बताया, तो ये प्रकाश के बारे में बताए थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर आप सी कर लीजिएगा, मैक्स प्लैंक गलत नहीं होगा इस उत्तर के साथ भी, ठीक है। तो क्वांटम का सिद्धांत इन्होंने भी दिया था और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी दिया था 1908 में, ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने प्रकाश के ऊपर ये अपडेट दिया था। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने किया था? तो 24 का उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, हेनरी बेकरेल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेकरेल जो है रेडियोधर्मिता का उदाहरण है ये, और ये इसके आविष्कारक हैं, तीन प्रकार की किए थे दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। बेकरेल जो है उनके रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिक विज्ञान का वर्ष 1903 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, किसके साथ? तो मैडम क्यूरी के साथ, ठीक है, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर पियरे क्यूरी के साथ उनको अवार्ड दिया गया था, किसको? बेकरेल को, ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो इट्स अ बी डॉपलर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बता दें कि सापेक्षवाद का सिद्धांत भी दिया था एक, इसमें आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और ये डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना गया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो डॉपलर इफेक्ट पर ये आधारित है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1929 में, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ से, 1929 में यह बताया कि जो गैलेक्सी है वो सिकुड़ रही, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 26 दोस्तों, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है?
तो बी है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें एशिया के, तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है दोस्तों, ठीक है, जो कि भारत में ही है। तो आंसर कर लीजिएगा, ये भारत का ही नहीं एशिया का, और ये 4 अगस्त 1956 को, ठीक है, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे परिसर में बनाया गया था, ठीक है, बार्क ने बनाया था इसको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और दोस्तों फिर औपचारिक रूप से इसको 20 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थे, इट्स देखिए, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिलिकॉन ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके आविष्कारक कौन थे इलेक्ट्रॉन के? तो जे.जे. थॉमसन थे। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, आविष्कारक पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन का तो आप जे.जे. थॉमसन का नाम बताइएगा, जो कि 1897 में किया था, मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर। लेकिन अगर ये बोले कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो मिलिकॉन ने किया था, ये ध्यान रखिए। इन्होंने बताया कि 9.109 × 10⁻³¹ किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, ठीक है, और विद्युत आवेश किसका कितना है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ है, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा कूलम में। सवाल नंबर 29, परमाणु में अवस्थित हल्का कण क्या है? तो परमाणु जो है नाभिक से बना होता है, नाभिक एक तरह का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सीमित होती है, मैंने अभी आपको बताया, परमाणु के द्रव्यमान 99% जो है ये अधिक नाभिक में ही होता है। तो आंसर कर लीजिएगा 29 का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी इज द राइट आंसर है, परमाणु के अवस्थित अवस्थिति में सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन ही है। सवाल नंबर 30 दोस्तों, लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक है? तो बिल्कुल कार्बन-14 का हम लोग उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी लकड़ी का उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग यह कार्बन-14 का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, यानी कि एंटी पार्टिकल? तो ये 31 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स ए इलेक्ट्रॉन का है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि देखिए पॉजिट्रॉन जो होता है ना, वो बीटा प्लस किरने के साथ चिन्हित किया जाता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के टक्कर होती है तो दोनों नष्ट हो जाते हैं और दो गामा किरने का उत्पन्न करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, आंसर कर लेंगे ए, ठीक है, प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का भी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे। पृथ्वी की आयु का आकलन किया गया जाता है? बिल्कुल 32 का उत्तर करेंगे दोस्तों, आंसर ई कर लीजिएगा यहाँ पे, यूरेनियम डेटिंग से कर सकते हैं आप, ठीक है, पृथ्वी का आकलन किसे, यूरेनियम डेटिंग से आप कर सकते हैं, सी इज द सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं दोस्तों, गामा किरणों की खोज किसने की? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये थे गामा किरणों के पॉल विलियार्ड, खोज किया था इन्होंने, ठीक है, पॉल विलियार्ड, सन 1900 में हेनरी बेकरूल ने इसके बारे में बताया था दोस्तों, ठीक है, और फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे बेकरूल, और बेकरूल होगा ना यार, सॉरी, डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, यहाँ पे आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, नोट कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बेकरूल ने कब, 1900 में, ये ध्यान रखेंगे, भौतिक शास्त्री थे हेनरी बेकरूल, इन्होंने इसकी खोज की थी, और जबकि रेडियम से निकलने वाला विकिरण का अध्ययन करके जब परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा वाले स्तर पर जाए, तो उस उच्च ऊर्जा वाले स्तर को हम लोग गामा किरण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया था बेकरूल ने, हेनरी बेकरूल ने। सवाल नंबर 34, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसने किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, 34 का उत्तर कर लीजिएगा, रेडियो कार्बन के डेटिंग के द्वारा, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 35 दोस्तों, पोलोनियम की खोज किसने की? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पोलोनियम की खोज की है दोस्तों, याद रखेंगे, इट्स मैडम क्यूरी ने, जी हाँ दोस्तों, और इसके बारे में एक्चुअली गैलीलियो ने 17वीं शताब्दी में भी बताया था, लेकिन इसकी खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी का नाम आता है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, रदरफोर्ड, बेकरूल और रोंडजन। देखिए गैलीलियो का तो नाम है नहीं इसमें, ठीक है, तो मैडम क्यूरी का नाम जरूर लेंगे आप लोग यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज के बारे में, पोलोनियम के बारे में बताया भी था, ठीक है। गैलीलियो एक्चुअली दार्शनिक वो था और खगोल शास्त्री था,
और विद्यार्थियों और डिकोस्टा के लिए एक दार्शनिक और गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक भी था। तो पोलोनियम की खोज वैसे मैडम क्यूरी ने की थी, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 36 पर चलते हैं, आंसर कर रहे हैं। अक्रिय गैसों की खोज कसरे किसे प्राप्त होता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, रैमजी को है दोस्तों, आंसर यहाँ पे बी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 37 पे, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ 37 का आंसर ए हो जाएगा, इट्स अ नाइट्रो ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस पर इसको द्रव्य के तौर पे क्या करते हैं तो गर्म करते हैं, और नाइट्रो ग्लिसरीन के स्थान पर में नाइट्रोग्लाइकोल का उपयोग अब हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर ई कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर 38, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, जी हाँ ये विकसित करने की बात हुई तो यहाँ पे एडवर्ड टेलर का नाम याद रखिएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पे, परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो आंसर कर लीजिए दोस्तों, ये नाम थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग इनका गलत लिखा गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, परमाणु बम का विकास किसने किया है? तो ध्यान रखिए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम इनका, ठीक है, ओपेनहाइमर ने किया, ठीक है, ये एक साथ लिख दिया है, नहीं लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था एटम बम, ठीक है, और 16 जुलाई 1945, ये आपको डेट मैंने बताया अभी ऊपर, ठीक है, और इसकी जानकारी दी थी पूरे विश्व को, और इसको फिर विस्फोट भी किया गया था जापान पे। ओके, तो यहाँ से 40 क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्वेश्चन सेम था, सिमिलर था, उसको हटा दिया था, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन का सिनेरियो यहाँ पे खत्म होता है। साइंस के क्वेश्चन आप स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि लूसेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा साइंस के क्वेश्चन के लिए भी, और ये स्पीडी से क्या है ना, स्पीडी से आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा रहे हैं सुबह 10 बजे रोज, और ये आपको ख़त्म कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द, है ना, 10-15 सेट है यहाँ पे, इसको ख़त्म कर देंगे। और लूसेंट में है दोस्तों जो कि आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट से पढ़ना है, जैसा कि मैंने कल स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बताई है, उस तरीके से आप 2-2 दिन करके और 5 दिन का ये कंटिन्यू बनाइए, 2-2 घंटे का रूटीन बना के, ठीक है। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।